हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग एमिनियम साल्ट्स एंड क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट के बारे में बात करेंगे अगर आपसे हम एक रिएक्शन पूछें कि अमोनिया को एच के साथ रिएक्शन करिएगा तो क्या प्रोडक्ट होगा तो बेसिकली अमोनिया जो है एक बेस है एच जो है एक एसिड है ये दोनों रिएक्ट करके एक साल्ट बनाएगा अमोनियम क्लोराइड तो इस रिएक्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आपके पास एक अमोनियम मूल्य है या कहें अमोनिया मूल्य है इसको एच के साथ अगर आपने रिएक्ट किया तो जो साल्ट बना वो है अमोनियम क्लोराइड तो अमोनिया जो है बेस है एच है जो एसिड है तो इस केस में बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन हुआ और आपका जो प्रोडक्ट बना वो साल्ट बना तो यहां अमोनिया की जगह पे आप अमीन भी ले सकते हैं अमीन प्राइमरी हो सकता है अमीन सेकेंडरी हो सकता है अमीन टर्सरी हो सकता है तो क्वेश्चन अब ये उठता है कि अमीन को अगर एसिड से रिएक्ट करिएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा तो जब अमीन को हम लोग एसिड से रिएक्ट करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं अमीनियम साल्ट ए प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किसी भी तरह का अमीन हो सकता है इस बात को हम लोग कुछ ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं वेन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स एक्ट एज बेसिस एंड रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड अमीनियम साल्ट तो अमीनीम साल्ट क्या हुआ अगर अमीन जो है एसिड के साथ रिएक्ट करे तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा वही आपका अमीनियम साल्ट है प्राइमरी भी हो सकता है सेकेंडरी भी हो सकता है या तो टर्सरी भी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आपने प्राइमरी का एक एग्जाम्पल लिया सी एच थ्री टू इसको एच सी एल के साथ रिएक्ट करिएगा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सी एच थ्री एन एच थ्री प्लस सी एल माइनस तो ये एक अमीनियम साल्ट है उसी तरीके से आप एक सेकेंडरी अमीन भी ले सकते हैं यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा इसको अगर एच के साथ रिएक्ट करिएगा तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा सी एच थ्री ट्वाइस एन एच टू प्लस सी एल माइनस ये भी एक एग्जाम्पल है अमीनियम साल्ट का टर्सरी अमीन ले लीजिए अगर आप इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा इसको एच के साथ रिएक्ट अगर आप करते हैं तो ये बन जाएगा सी एच थ्री और थ्री आर सी एच थ्री होगा एन और एक ही हाइड्रोजन होगा जो कि एच सी एल से आएगा और करस्पोंडिंग अमीनियम साल्ट ये बन जाएगा यानि कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हर केस में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो है अमीनियम साल्ट तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और है देखने वाली कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसमें कितना हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से अटैच है थ्री हाइड्रोजन यहाँ पे दो हाइड्रोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन तो हम लोग कह सकते हैं कि इन एन अमीनियम साल्ट द पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एटम इज अटैच टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम यानी कि एक हाइड्रोजन एटम तो होगा ही जब आपका अमीनियम साल्ट है तो इससे आप पहचान सकते हैं कि कंपाउंड जो है अमीनीयम साल्ट है कि नहीं है इसको और डिटेल में हम यहाँ लिख देते हैं अगर आपका प्राइमरी एमीन होता तो करस्पोंडिंग जो साल्ट होता वो ए होता अमीनियम साल्ट और क्लोराइड माइनस यहाँ रख लीजिए आप तो इसमें कितना हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से अटैच है इस केस में तीन हाइड्रोजन है जो नाइट्रोजन से अटैच है अगर आपका सेकेंडरी एमीन होता तो यहाँ पे सी एस थ्री यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस सीएल माइनस तो इस केस में दो हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से अटैच है इसी तरीके से अगर आपका टर्सरी होता सी एच थ्री सी सी एच थ्री यहां पर सी नहीं होगा नाइट्रोजन है और इसके करस्पॉन्डिंग सी एल माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए तो ये जो साल्ट है इस केस में वन हाइड्रोजन अटैच है तो हर केसेस में कोई भी अमीनियम साल्ट हो चाहे तो प्राइमरी का हो चाहे तो सेकेंडरी का हो चाहे तो टर्सरी अमीन का हो हर अमीनियम साल्ट में एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो होगा ही होगा इस बात को याद रखेंगे तो आप अमीनियम साल्ट को आसानी से पहचान सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है क्वार्टरनरी अमोनियम ये क्या है अगर नाइट्रोजन का जो साल्ट है उसमें नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्वाटर नरी अमोनियम हम कह सकते हैं वेन द सेंट्रल नाइट्रोजन एटम ऑफ द कंपाउंड इज पॉजिटिवली चार्ज बट इट इज नॉट अटैच टू ए हाइड्रोजन एटम द कंपाउंड इज कॉल्ड क्वाटर नरी अमोनियम साल्ट यानी कि नाइट्रोजन से कोई भी हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं है तो कारस्पोंडिंग जो साल्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट जैसे कि एक एग्जाम्पल आपका यहां पे हो गया सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री प्लस सी एल माइनस तो एक ऐसा एग्जाम्पल है ये जो साल्ट है वो एग्जाम्पल है क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट का क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट क्यों क्योंकि इस केस में जो नाइट्रोजन है इसमें कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है नो हाइड्रोजन इससे कोई भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है ये आपका ओपन चेन में हो सकता है ये आपका रिंग में भी हो सकता है जैसे कि मान लीजिए आपका ये जो कंपाउंड है ये एक एग्जाम्पल है क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का यहां पे सीएल माइनस है इसी तरीके से आपका ये जो रिंग है मान लीजिए नाइट्रोजन यहां है आर कंपाउंड को हम ऐसा बना लेते हैं कुछ यहाँ जो लगा हुआ सी एच थ्री ग्रुप तो ये भी कंपाउंड जो है एक क्वार्टर नरी अमोनियम साल्ट का एग्जाम्पल है आपको केवल इतना देखना है कि नाइट्रोजन से हाइड्रोजन अटैच है या नहीं अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट में जो नाइट्रोजन है उसमें किसी पे भी लोन पेयर नहीं है यानी कि अगर लोन पेयर नहीं है क्वार्टर नरी अमोनियम साल्ट जो है वो बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता बेस की तरह कैसे एक्ट करता है नाइट्रोजन का कंपाउंड उसके पास एक लोन पेयर होना चाहिए तो हम लोग कह सकते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम हैलाइड्स बिकॉज दे नॉट हैव अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम कैनोट एक्ट एज बेसिस यानी ये जो क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट है इसको हम लोग क्वार्टरनरी अमोनियम हाइलाइड भी बोल सकते हैं ये बेस की तरह एक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनता कैसे है ये बनता कुछ इस तरीके से है अगर आप मान लीजिए मिथाइल आयोडाइड है इसको अमोनिया के साथ आपने रिएक्ट किया और इसको आपने एक्सेस में लिया तो क्या होगा अमोनिया मोलिकुल इस पर अटैक करेगा एक सी एस थ्री जुड़ेगा यानी पहले बार में तो एन एच टू सी एस थ्री हो जाएगा एक सी एस थ्री जुड़ेगा और एक आपका एच आई बाहर निकल जाएगा इसी तरीके से दूसरे बार में दूसरा सी एस थ्री जुड़ेगा हाइड्रोजन को हटा करके तीसरा हाइड्रोजन को हटा करके जुड़ेगा और फिर लोन पेर बचा रहेगा फिर सी एस थ्री आई पे अटैक कर देगा और कारस्पोंडिंग आपको क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट जो है या कहें क्वार्टरनरी अमोनियम जो है वो बन जाएगा तो इसके लिए अगर आपको क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनाना है तो जो अल्काइल हैलाइड है उसको आपको एक्सेस में लेना पड़ेगा अगर यहाँ पे हम लोग हेलाइड को हटा करके ओ से रिप्लेस कर दें ओ माइनस जैसे आई माइनस है चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम लोग ओ माइनस कर दें तो उस केस में जो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा क्योंकि आपने हाइलाइड को हटा करके हाइड्रोक्साइड लगा तो हम लोग बोलेंगे क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो जो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसमें फुल फ्लेज हो एच माइनस है यानी वो एक स्ट्रांग बेस की तरह एक्ट करेगा क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट स्ट्रोंग बेस नहीं है मगर क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होगा वो अस्ट्रांग बेस होगा तो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या करना है इस आई माइनस को हटा करके हम लोग को ओ एच माइनस लगा देना यानी हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं सी थ्री नाइट्रोजन सी $CH_3$ थ्री सी एच थ्री सी थ्री यहाँ पे प्लस चार्ज है और ओ एच माइनस है तो ये जो एग्जाम्पल है वो क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल है तो अगर आप क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसी को हमने यहाँ लिखा क्योंकि ये बेस है इसको किसी एसिड से रिएक्ट करिएगा तो ए साल्ट बना लेगा एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा H+ प्लस ओ OH एच माइनस मिल करके एच टू ओ बना जाएगा और जो सी एल माइनस है इससे साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये इतना अच्छा बेस होता है क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इतना अच्छा बेस है कि वो एन एच के ओ एच के कारस्पॉन्डिंग बेस है यानी काफी आयनिक कंपाउंड है इसलिए ये अच्छा बेस की तरह यूज हो सकता है क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट को आप यूज करके अल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं तो यानी कि अमीन से अगर आपको अल्कीन बनाना हो तो आप क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनाइए फिर क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाइए और फिर आप कारस्पॉन्डिंग एमीन बनाइए इसको हम लोग बोलते हैं हाफ मैन एलिमिनेशन तो हम लोग कह सकते हैं क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट कैन बी यूज टू फॉर्म अल्किन बाई ए रिएक्शन कॉल्ड हाफ मैन ये रिएक्शन क्या है इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बट आपको एक एग्जाम्पल हमको यहाँ पे दे देते हैं मान लीजिए आपके पास एक क्वार्टर नरी अमोनियम साल्ट है इधर भी इथाइल लगा हुआ है इधर भी इथाइल लगा हुआ है इधर भी इथाइल लगा, लगा हुआ है और आयोडीन माइनस एक क्वार्टर नरी अमोनियम साल्ट है इसको अगर आप ए के साथ हीट करें तो आपको एक अल्किन मिलता है पहले ए जी टू ओ और दूसरा बार में इसको हीट करें तो जो प्रोडक्ट बनता है वो एक अल्कन बनता है पहले क्या होता है ये जो क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट है पहले क्वार्टरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है एसिड बेस रिएक्शन होता है तो इसको आप सी एच थ्री सी एच टू एन यहाँ पे इथाइल है यहाँ पे भी इथाइल है यहाँ पे हम एक्सपैंड करके दिखा रहे हैं सी एच टू सी एच टू सी एच यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे प्लस चार्ज है जैसा हमने कहा कि ये जो क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट है वो करस्पोन्डिंग हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा इसको आप ए जी टू के साथ ट्रीट करते हैं तो मेकेनिजम इस रिएक्शन का डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे मगर ये जैसे ही बेस हुआ वो एच माइनस इसको हीट करिएगा यहाँ से एक एच प्लस ले लेगा ए बॉन्ड यहाँ चला जाएगा ए बॉन्ड लोन पेयर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से आपको एक सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू एक कलकिन मिलेगा यहाँ पे आपको एक वाटर मोलिकुल मिलेगा और इधर इथाइल इधर नाइट्रोजन इथाइल और यहाँ पे इथाइल और आपको एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी मिलेगा तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं हॉपमैन एलिमिनेशन जिसके थ्रू हम लोग अल्कन बना सकते हैं तो इस वीडियो में आपने देखा कि अमीनियम साल्ट क्या होता है क्वाटर नरी अमोनियम साल्ट क्या होता है और क्वाटर नरी अमोनियम साल्ट को यूज़ करके हम लोग हॉपमैन एलिमिनेशन के थ्रू अल्किन कैसे बना सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हॉपमैन एलिमिनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे तब तक के लिए इस वीडियो को हम लोग इतना ही रखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बाय Take care.